हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताज है गुरुवार। और यहाँ देख सकते हैं मैंने येलो ड्रेस वेयर किया है आज, और ये मेरा रूम का बेड दिखाई दे रहा है। तो अभी चलते हैं किचन में, आज क्या बनाते हैं आप सबको दिखाते हैं। तो आज बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी। तो चलिए इसकी रेसिपी आप सबसे शेयर करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ और आप सब कैसे बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। गाइज, यहाँ मैंने टमाटर कट कर लिया है, यहाँ प्याज और दो सूखा मिर्च डालूंगी। तो टमाटर और प्याज की चटनी कैसे बनाते हैं हम, चलिए आप सबको दिखाते हैं आज। देखिए यहाँ मैंने 7-8 टमाटर कट कर लिया है वैसे पीसेस में। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं कैसे टमाटर और प्याज की चटनी बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है खाने पर, रोटी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है खाने पे। तो चलिए कंटिन्यू ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें मैंने मिर्च और मेथी का और थोड़ा सा और डालूंगी फोरन। देखिए बस इतना ही। और इसमें मैं जाती हूँ यहाँ प्याज डाल देना, प्याज डेली पक जाए उसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी। देखिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिया क्योंकि प्याज थोड़ा सा ये अगर गल जाए, तो मैंने हल्का सा नमक ऐड कर दिया इसमें। मेरा प्याज थोड़ा फ्राई हो गया है, मैं इसे टमाटर ऐड कर देती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है टमाटर और प्याज की चटनी। और ये भी 2 मिनट पक जाए उसके बाद मैं मसाला ऐड करूँगी। देखिए 10 मिनट पकने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें मिर्च पाउडर, यहाँ मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ। और नमक तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, तो बस इतना ही। और इसमें थोड़ा सा मैं पहले गोल मिर्च भी ऐड कर दी थी। तो बस देखिए अब मैं इसका फाइनल लुक आप सबसे दिखाती हूँ कैसा हुआ है। चलिए इसको मैं 10 मिनट पकने देती हूँ अच्छे से। और इसमें मैं पानी उनी कुछ भी नहीं डालूँगी, बिना पानी का ये बनता है। चलिए मैं इसको 10 मिनट फाइनल लुक आप सबको दिखाती हूँ। गाइस देख सकते हैं मेरी टमाटर और प्याज की चटनी कितनी अच्छी बनी है, और ज़्यादा कुछ इसमें लगता भी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। तो आप लोग भी ऐसे बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अगर कुछ आप लोग स्पेशल बनाते हो तो प्लीज़ हमें भी कमेंट करके बताइएगा, मैं भी ऐसा बनाऊंगी। तो फिर गाइज फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और भी मैं अच्छा अच्छा चीज़ लाऊँगी कुकिंग से रिलेटेड। तो देखिए कितनी प्यारी दिख रही है, तो आप लोग भी बना के खाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।